नमस्ते मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अपना नया वीडियो लेकर अपने चैनल ISPCS पाठशाला में आ गई हूँ। ये मेरा वीडियो विज्ञान में जो है ये भूगोल विषय का है। भूगोल, इसके जितने भी टॉपिक हैं आपके सारे भूगोल से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इससे पहले की वीडियो जो है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। जितनी भी आगे आपकी परीक्षाएं हैं, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, आपका रेलवे हो गया, या जितनी भी परीक्षाएँ, उन सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो टॉपिक है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसके वीडियो, ठीक है। तो आज का हमारा है यहाँ पे पृथ्वी से इसके संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है आपका, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग कितना समय? तो ये आप ध्यान रखिएगा, 365.25 दिन लगते हैं। जी हाँ, 365.25 दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो नॉर्मल एक साल में जो होता है 365 दिन होते हैं। अब आप सोच रहे होगे 25 दिन का क्या होता है, जो 0.25 डे जो है ये एक्स्ट्रा है, ये क्या होते हैं, इसका क्या होता है? तो शायद आपको पता हो कि फरवरी जो है वो हमारी, अगर हमारा साधारण साल होता है, नॉर्मल ईयर होता है, तो वो 28 दिन की होती है। लेकिन 4 साल बाद जो वही फरवरी एक दिन की जो होती बढ़ जाती, मतलब वो 29 दिन की हो जाती है। तो ये जो 0.25 डेज है, मतलब 0.25 जो दिन है, ये जो हर साल जो ये आपके बढ़ते हैं, यही जा करके आपके लास्ट में 4 साल बाद जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, और तभी हमारी फरवरी 29 दिन की होती है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप बिल्कुल ध्यान रखोगे पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने लगता है समय, वो 365.25 दिन लगते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। जी हाँ, कितना चक्कर लगाती है, वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगाती है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी, अगला है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है, वो कितना करती है, वो आपकी 27.83 किलोमीटर, 27.83 किलोमीटर। जब पृथ्वी जो है वो परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण करती है, तो उसको प्रति मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर आपकी बात हुई थी वो जो परिक्रमा जो पथ का करती थी वो मध्य वेग की बात हो रही थी सूर्य का चक्कर लगाने के, लेकिन यहाँ पे प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है वो जो परिक्रमा करती है, यहाँ पे प्रति मिनट की बात हो रही है। तो ये आपकी हो रही है 27.83 किलोमीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा और दोनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार मैं इसको दोहरा दे रही हूँ कि पृथ्वी लगभग, यहाँ पे देखिए आपका है, पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है, वो लगता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन वही पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है और उसको प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है वो, तब करती है वो 27.83 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, मतलब जिसको हम धुरी भी कहते हैं, सदा वो कहाँ झुकी रहती, कितनी, कितने एंगल पे, कितने कोण पे? तो ये आपको पता है 23.5 डिग्री पर, दीर्घवृत्ती धुरी से 23.5 डिग्री पर, ठीक है। ये क्या होती है, थोड़ी सी झुकी रहती पृथ्वी हमारी जो है, अपनी जो उसकी एक्सिस होती है, जो उसका अक्ष होता है, उससे वो 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। इसके बाद है, आपको ये कथन दे रखे, मतलब सत्य ये बता दें, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछा जाता है कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीधे हम बता रहे हैं कथन सत्य है। क्या है कथन, पृथ्वी की चुंबकीय विषुववृत्त रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जब हम, जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो चुंबकीय विषुववृत्त रेखा है, किसकी बात हो रही है, विषुववृत्त रेखा की बात हो रही है, दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, दक्षिण भारत में थुम्बा से। अगला कथन क्या है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे, आपके जो अर्थ है यहाँ पे उत्तरी सिरे, मतलब ये ऊपर वाले सिरे की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, ऊपर वाले सिरे की, उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, ठीक है। ये पृथ्वी के अक्ष के समांतरता है, कौन सा, उत्तरी सिरे का उत्तरी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल, हिंदी इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ पोल। आगे आते हैं, अगला है, दिन रात जिस कारण होते हैं, ये तो बहुत साधारण सा जो आप बता सकते हो कि पृथ्वी की जो उसका भू है हमारी, वो उसका परिभ्रमण जो करती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे किस पे पड़ती हैं, वो पड़ती भूमध्य रेखा पर, वो पड़ती है हमारी भूमध्य रेखा पर। कब, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वो पड़ती हैं आपकी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर,
बिल्कुल ठीक है। आगे है, इसके बाद है आपका मौसम बदलने का कारण क्या क्या है। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा आ चुका है और हर प्रश्न में आता है ये, थोड़ा इसको जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े कठिन क्वेश्चन में काउंट होते हैं, और आजकल जो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर है वो भी साधारण प्रश्न नहीं पूछ रहा है, और ये मतलब इवन जितने भी एग्जाम है वो अब वो साधारण प्रश्न जो है वो उसका जो वेटेज वो थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि जो सिलेक्शन रेट हो थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना कि उनके पास जॉब्स कम है तो कम हो थोड़ा, मतलब कि इस तरीके के कठिन पेपर आएंगे तो बच्चे कर नहीं पाएंगे। इस ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, मौसम बदलने का कारण क्या है, ये ध्यान रखें कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर जो है आपका झुकी होना, ठीक है। तो मौसम बदलने के कारण है क्या है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, और दूसरा वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ये आपका अक्ष है तो जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी ऐसे करके जो है वो झुकी हुई है, और दूसरा क्या कर रही है पृथ्वी, ये सूर्य है तो पृथ्वी क्या कर रही है उसका चक्कर लगा रही है, ठीक है, चक्कर लगाती है। आगे चलते हैं, इसके बाद है आपका पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली सर दिन में, उदाहरण तो यहाँ पे बात करें दोपहर 12 बजे, वहाँ का तापमान सर्दियों के अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होता, क्यों होता है। इन्होंने एक उदाहरण की बात की है कि जैसे मैंने दिल्ली शहर का ले लिया, तो पृथ्वी के किसी पृष्ठ पर किसी कोई विशेष बिंदु, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट मान ले तो उस पर विचार किया जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ का तापमान जो सर्दी के अपेक्षा वहाँ पर गर्मियों का जो तापमान समानता अधिक होता, क्यों होता है। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं, इस वजह से जो होता है सर्दियों की अपेक्षा जो वहाँ पे सर्दी में तापमान कम होता है और गर्मी में समानता अधिक होता है, क्यों होता है। फिर से बता रही हूँ कि क्योंकि जो पृथ्वी पे गिरती हैं जो सूर्य की किरणें वो सर्दी में पृथ्वी के जो पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, इस वजह से हमें जो सर्दियों में तापमान ज़्यादा पता नहीं चलता है। आगे चलते हैं, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होती है वो क्या होती है। देखिए, जो भी सूर्य की मान लो ये सूर्य है हमारा और ये पृथ्वी है, अगर इनकी दूरी मान लो जितनी भी है उससे इन्होंने बोला कि हम 1/4 जो है वो 4 भाग जो है हम कम कर दें, तो उससे क्या संभावना सबसे अधिक वो रहेगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ये तो बहुत साधारण सा और थोड़ा सा मतलब लॉजिकल क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो किसी की दूरी कम कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो वर्ष की अवधि वो कम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ रहती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मरुभूमि मतलब यहाँ पर डेजर्ट की बात करें, राजस्थान की बात, जैसे राजस्थान है मतलब जहाँ पे जैसे राजस्थान हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, इस तरह की जो जगह हैं आपके कालाहारी डेजर्ट हो गए, ये इस तरह के मरुभूमि बोलते हैं इनको, डेजर्ट्स बोलते हैं, तो ये कहाँ सबसे ज्यादा ये होते हैं 23 डिग्री अक्षांश के पास होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद है आपका कथन और कारण दे रखा है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, कथन और कारण है, आपको ये बताना कि कथन कारण कैसे हैं, सही हैं गलत हैं, और एक दूसरे को ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, और इसका कारण इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इसको हम थोड़ा समझा दें, देखिए आपको पता है ना ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, सॉरी ये उत्तर होता है आपका, पूरब पश्चिम, अगर पूरब इधर है तो पश्चिम इधर होगा, उत्तर इधर है तो आपका दक्षिण इधर होगा, ठीक है। और पृथ्वी हमारी कहाँ चक्कर लगाती है, वो लगाती है पश्चिम से पूरब की ओर, इधर साइड पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो इसने कहा इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखो जिस इन्होंने जो कारण बताया है कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रही है तो इन्होंने बताया, लेकिन इनका जो कथन है वो गलत है, ये कह रहे हैं कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़ जाते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि तो जब कभी तुमको प्रश्न में ऐसा कोई कीवर्ड मिल जाए केवल यही काम होता है, हमेशा ही ऐसा होता, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पॉइंट को जो है वो हमें निगेटिव ये बना देती है कि कोई चीज़ एकदम 100% नहीं कि ये काम हमेशा ऐसा ही होगा, उसको हम थोड़ा सा बदल सकते हैं अगर हमारे पास टेक्निक हो, हमारे पास तरीका हो। तो इन्होंने वैसे ये बात सही है कि अधिकतर होता है पूर्वी दिशा छोड़ा दी, लेकिन हमेशा लगा दिया वो यहाँ पे, इसलिए ये कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। अब हमेशा एक ही, वैसे तो जैसे एक उदाहरण के लिए जैसे हमको स्कूल जाना तो हमारा एक ही रास्ता हम फॉलो करते हैं, लेकिन वो एक रास्ता घर से जो स्कूल जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हम वही रास्ते बच्चे फॉलो करते हैं, कभी कभी रास्ता बदल भी देते हैं, तो जो हमेशा वाला कॉन्सेप्ट है वो आपके उसको गलत कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या है, जैसे पृथ्वी घूम रही है
और आपने कृत्रिम उपग्रह से कोई गेंद जो है बाहर गिरा दी है, मतलब हम यहाँ पे अंतरिक्ष में हैं और पृथ्वी घूम रही है, हमने वहाँ से गेंद गिराई हुई है कोई भी कृत्रिम उपग्रह से, तो क्या होगा? बहुत ही साधारण सा है, इसका ये होगा कि पृथ्वी की परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। अगर कोई इस तरीके से गेंद गिराई जाती है तो वो भी गेंद क्या करती है, वो भी पृथ्वी की कक्षा में जो है उसी के परिता जो है उपग्रह का जो समान जो आवर्तकाल होता है उसी के कक्षा में फिर वो भी वैसे इसी राउंड राउंड घूमने लगती है। आशा करते हैं आपको इस चीज़ें समझ आ रही होंगी मेरी, क्योंकि मैं बहुत एक एक पॉइंट जो है बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। और हाँ, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में आप शेयर करिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो पढ़ सके, ठीक है। और आप जो है आगे आगे इस वीडियो को देखें, और इससे पिछले वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएं, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो आने वाली परीक्षाओं में जो ये है बहुत फ़ायदा करेगा ये वीडियो आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार प्रवार जिसको मेंटल बोलते हैं, कि नीचे क्रोड क्रोड मतलब होता है कोर बना होता है। ये देखिए पृथ्वी की जो संरचना होती है ऐसे गोल होती है, उसके अंदर जैसे उस वो बहुत उसकी संरचना जो होती है मेन उसके जो होते हैं कुछ परतें होती हैं, उस हिसाब से ये बता रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की ग्रह की संरचना में मेंटल मेंटल हो गया, उसके नीचे कोर हो गया, ठीक है। मान लो एकदम कोर हो गया, ये ऊपर से ऐसे मेंटल हो गया, कोर ही लास्ट की बात कर रहे हैं। तो उससे पूछा कोर में क्या होता है, ये ध्यान रखिए कोर में सबसे ज़्यादा लोहा और दूसरा निकल, क्या होता है लोहा जिसको Fe और निकल Ni, ये ध्यान रखिए कोर में इसकी जो है मात्रा ज़्यादा होती है। अगला है आपका विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो ये अब हम जो हमारा वीडियो है यहाँ समाप्त होता है, और इसको बस इतना ही कहेंगे कि आप अगर सिर्फ ये मेरे वीडियो ही देख लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको रिवीजन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप अपना किताबों से पढ़ते रहिए, और प्लीज़ इसको शेयर करिए और लोगों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्य सनातन, जय हो।